तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोबारा शौकीन भाई के पास। तो ये भाई की पर्सनल गाड़ी है, क्या है भाई जी? तो कुछ बताएं इस गाड़ी के बारे में। मैंने क्या, ये अपने किसी खास की गाड़ी थी, पहले कंप्लीट करके दी थी। ओके। तो उन्होंने, उनके पास और भी कई गाड़ियां हैं, तो वो कह रहे थे कि इस गाड़ी को सेल करनी है। मैं कहा तो कोई नहीं, चलो मैं ले लेता हूँ। नहीं बढ़िया क्या वैसे यार, उस टाइम की ये बहुत हाथी गाड़ी थी और मजेदार गाड़ी थी। किसी का हिट कर दिया तो ये नहीं टूटेगी, पहले खुद टूट जाएगी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या करा रखे, लैम्बो डोर और बटरफ्लाई डोर बोलते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, ये है आपका बम्पर कस्टमाइज है, बोनेट कस्टमाइज है। ओके ठीक है। हेडलाइटें जो ताइवान की बाहर से आती है वही है। तो ये जल लग के दिखा सकते हो? अभी चाबी पता नहीं कहाँ रखी होगी अपनी गाड़ी का, तो इतना ध्यान ही नहीं रहता। कोई नहीं, तो ये आप डोर देख सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव है कि खर्चा कितना आता है अभी अगर ऐसे कोई कस्टमाइज करे तो, या क्या लैम्बो डोर डोर का, क्योंकि आजकल चलन में ज्यादा है। हाँ ये तो है, बट एक तो ये सही से कंफर्टेबल नहीं होते। ओके। कहीं ना कहीं मान के चलिए, देखो सामने वाला बंदा देखता है वो खुश हो जाता है, बट खुद के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते। मैं भी यही चीज पूछने वाला था, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? और बट जो मेरी किट है, मेरी किट जो होती है वो कस्टमाइज होती है, उनका ये प्रॉफिट है, उनको बोल्ट ऑन फिट कर सकते हैं आप और उतार भी सकते हो। ओके जी। बट जो और वगैरह किटें आती हैं वो नहीं होती ऐसी जो बाहर से आती हैं। ओके जी। तो बढ़िया है। तो लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी रहती ही हाँ, है। वो पर्सनली रहती है। ओके बढ़िया है कि शौक के आगे कुछ नहीं है, कि बस कुछ अलग सा दिखाना है। हाँ हाँ तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल आपने जो पीछे की और ये स्पॉइलर जो बना रखा है, बड़ा प्यारा बना रखा है भैया। तो अंदर भी तो डबल एग्जॉस्ट है जी। बहुत बढ़िया है भैया। दोस्तों देख सकते हो, तो और भी खड़ी हुई है, मॉडिफाइड टैक्सी भी खड़ी हुई है, शिमला से गाड़ी आई हुई है वो भी खड़ी हुई है। फिलहाल मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उसकी, तो आज मौका मिला शौकीन भाई को, शौकीन भाई को छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी आज बना पा दूंगा। तो अंदर से हमने कुछ नहीं करा रखा ना? अंदर से नॉर्मल है। अंदर से नॉर्मल है। अगर कोई बंदा ये चीज करवाने आया तो मोटा मोटा क्या खर्चा आने वाला भी है इसका? डोर ऊपर के ऑलमोस्ट मांगे 30,000 रुपए कॉस्ट आती है। 30,000 के कॉस्ट आती ही आती है। वैसे ये वाले भी ऊपर उठ जाएंगे फिर किसके लिए? तेरे लिए हैं, पतले बंदों के लिए ये। मेरे लिए ना, जैसे मैं तेरी तरह नहीं है ना। आप भी निकलते आ रहे हो आपका पेट निकल। अबे वो मैंने आज कपड़े पहन रखे हैं ज्यादा, इस वजह से ऐसे हो रखा है ना, भाई की तरह स्लिम ट्रिम हूं एकदम। ऐसा बनने के लिए सही है अभी तो करिए। कितनी पतली सी, कहां से घुसेगा बंदा? वो भाई कह रहा है कि अभी थोड़ा गेट में काम होना है, तो इसलिए वरना वो वाला देख बहुत है, वो बाहर से खुल रहा है। इनमें अपनी गाड़ियों में लगा रहता है कुछ ना कुछ। हाँ ये रहता है कि वो ये ना कि मिठाई वाला अपनी मिठाई नहीं चखता, दूसरा ही मजा लेता उसका, तो वही चीज है। तो क्या कॉस्ट 30,000 पे गेट गेट के अगर कोई आता है तो? हाँ जी, ये मिनिमम है या कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? नहीं फिक्स प्राइस है। और बाकी ये स्कर्टिंग्स वगैरह, स्पाइलर और ये पीछे, इनके अलग कॉस्ट है? सबके अलग कॉस्ट है, सबके अलग अलग है। तो मोटा मोटा अगर सेम ऐसी कोई गाड़ी बनवाना है तो क्या कॉस्ट? अराउंड मान के चलिए आपका 40-50 हज़ार रुपए के आसपास किट से अलग। किट से अलग आएगा? हाँ जी। ओके, मतलब कि 30,000 के डोर और 30-40 के, मतलब 60 के लपेट में मोटा मोटा आ जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ चलो बढ़िया। तो दोस्तों आप आ सकते हो फरीदाबाद, तो भाई का नंबर मैं दे दूंगा, तो किसी ने कुछ भी कराना है, भाई का वैसे नाम बहुत है इन मामलों में, क्योंकि ये मॉडिफाइड टैक्सी हो ही रही है, नया प्रोजेक्ट है ही, जो पुरानी वीडियोस देख चुका है वो देख चुका है, मैं इस पे शूट कर चुका हूँ, जल्दी ये तैयार होगी तो इसका शूट मिलेगा आपको। बाकी आप आगे से, तो अभी फिलहाल मेरे फोन में बैटरी कम है तो इस वजह से बंद है। तो ये है दोस्तों, तो आप आ सकते हो, जो भी शौकीन है तो शौकीन भाई के पास आ सकते हो मॉडिफिकेशन का। तो ये भी देखो, ये सब कस्टमाइज भाई का ही काम है सारा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड और ऑडियो से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाय बाय।